पिछले कुछ बजट को अगर हम ऑब्जर्व करें ऑफ एटलीस्ट 5 लाख करोड़ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इज बीइंग इंक्रीज्ड स्टीपली बाय 33% टू 10 लाख करोड़। तो एक चीज उसमें कॉमन है और वो ये है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा फंड एलोकेट कर रही है उससे एक सेक्टर को या फिर हम कह सकते थीम को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और उस थीम का नाम है कमोडिटी। अब शायद कमोडिटी सुन के आपको लग रहा होगा गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्टील सीमेंट केमिकल इन्हें भी कलेक्टिवली कमोडिटी सेक्टर कहा जाता है क्योंकि ये भी कमोडिटीज़ ही है। और स्टॉक मार्केट में अगर कमोडिटी सेक्टर की बात करें तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, स्टील सीमेंट केमिकल। अब इनका नाम सुन के तो आपको लग रहा होगा कि ये तो एकदम डल इंडस्ट्री होगी जो 8-10% के हार्डली रिटर्न देती होगी, लेकिन आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों का हम डेटा देखते हैं तो इस इंडस्ट्री ने तगड़े तगड़े सेक्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर हम इसमें से सीमेंट सेक्टर की बात करें तो पिछले 2 सालों से वो 25% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रही है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है सडन शिफ्ट जिससे ये कमोडिटी थीम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इतना आगे कि इसने अच्छे अच्छे सेक्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। इस सेक्टर में ऑपरेट करने वाले स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड ने कुछ इस तरह से रिटर्न दिए हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो आज मैं आपको इसी सेक्टर के डीप में लेके जाने वाला हूँ, कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको दिखाने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप चौंक तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आपको सीखने में काफी कुछ मिलेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में भी ये चीज आपको जरूर फायदा देगी। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, अब इस सेक्टर को डिटेल में समझने के लिए हमें पिछले 15 साल में दुनिया भर में क्या हुआ है वो समझना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि पिछले 15 सालों में मेन चीज़ तो ये हुई है कि ये जो कमोडिटी सेक्टर है ये पर्टिकुलरली चाइना के पास चला गया और उसने भी काफ़ी मदद की और इस सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है चाइना को सुपर पावर बनाने में। हालांकि बात ये हुई कि 2006 तक हालांकि ये सब कुछ चाइना के पास नहीं था, तो इसमें से अगर मैं सिर्फ केमिकल की बात करूँ तो पूरी दुनिया भर में जितने केमिकल्स 2006 में बेचे जा रहे थे उसमें से 40% जो सेल्स था वो यूएसए और यूरोपियन यूनियन से आता था। लेकिन फिर आ गया ग्रेट रिसेशन 2008 में और उसके बाद बाजी कम्प्लीटली पलट गई। ये जो बाजी है ये वेस्ट से एशिया में आ गई, एशिया में भी बात करें तो चाइना के पास आ गई। अब देखिए, ये जो हिस्ट्री है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन्स है और उससे जुड़ी चीज़ें आज इंडिया में हो रही है। तो ग्रेट रिसेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी सेक्टर में। एक तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी और यूएस था, उन्होंने जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स है कुछ रूल्स हैं इन्वायरमेंट को रिलेटेड वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए। लेकिन उसी टाइम चाइना में कोई इन्वायरमेंटल नॉर्म्स नहीं थे, कार्बन एमिशन से रिलेटेड कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे और ऐसे में वहाँ पर थी बहुत ही चीप लेबर पावर। अब इस चीप मैन पावर की मदद से चाइना ने इस सेक्टर में एंट्री तो की, लेकिन एंट्री इतनी तगड़ी हुई कि जिसके सामने बाकी कंट्रीज़ को कम्प्लीटली झुकना पड़ा, क्योंकि चाइना के पास जो बेनिफिट था एक वो था कि लो कॉस्ट लेबर। अब लेबर की कॉस्ट कम थी, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स भी नहीं थे, अब इन सारी चीज़ों के चलते वो जल्दी काफ़ी ऊपर चले आए। और इसे भी जब तक वेस्ट उस ग्रेट रिसेशन से उभर पाया तब तक उन्होंने देखा कि जितनी कॉस्ट में हम उन केमिकल को बना सकते हैं उससे कम कॉस्ट में तो हम इंपोर्ट करके चाइना से ले सकते हैं, तो बनाने में पैसा क्यों खर्च करना है। तो इसी तरह केमिकल सेक्टर में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आने लगा वेस्ट में। और ये चीज़ें आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते कि साल 2000 में चाइना के पास जो मार्केट शेयर था केमिकल इंडस्ट्री में वो बहुत ही कम था, लेकिन 2020 आते आते सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है फिलहाल वो चाइना के पास ही है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो चाइना ने की वो ये की कि अच्छा खासा पैसा तो अब ये कमा ही रहे थे, चाहे वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर केमिकल की हो। स्टील की अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील जो है वो चाइना प्रोड्यूस करता है। कितना? तो अमेरिका से 10 गुना ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन चाइना का है। और फिर इसमें सेकंड सबसे बड़ा कौन होगा? तो वो है रिसेंटली इंडिया बन गया है। हालांकि इंडिया पीछे था, लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले इंडिया ने जापान को बीट करते हुए स्टील प्रोडक्शन में नंबर 2 की रैंक हासिल कर ली है। अब ये अचानक से कैसे हो रहा है इस पर भी हम जल्दी आएंगे। तो ये जो कमोडिटी सेक्टर है इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें रिसर्च में पता चली वो ये है कि जितना R&D का स्पेंडिंग बढ़ता जाएगा उतना तेज़ी से ये जो इंडस्ट्री है ये तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो क्योंकि वेस्ट में तो इंडस्ट्री कम्प्लीटली ख़त्म ही हो चुकी थी, तो इनका R&D जो स्पेंडिंग थी वो लगभग नहीं के बराबर थी। लेकिन चाइना काफ़ी सारा पैसा इस सेक्टर से कमा रहा था, तो उन्होंने अपनी जो R&D स्पेंडिंग है बहुत हेवी रखी। आप देख सकते हो यहाँ पर चाइना के आसपास कोई भी नहीं है जब रिसर्च और डेवलपमेंट की स्पेंडिंग की बात आती है। तो इन्होंने इस सेक्टर में कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और उसका उन्हें फ़ायदा भी मिला। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम R&D स्पेंडिंग की बात करें तो उसमें बाकी कंट्रीज़ के ऊपर इंडिया आता है, और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये कुछ डॉट्स जो कनेक्ट करते करते हम अपने कंक्लूजन तक आज पहुँचने वाले हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि 2008 में वेस्ट से चीज़ें चाइना की तरफ आ गई, लेकिन अभी 2020 के बाद चीज़ें चाइना से
कुछ एशियन कंट्रीज की तरफ जा रही है, जैसे कि इंडिया, वियतनाम एटसेट्रा। अब देखिए ना, अगर हम चाइना के एक्सपोर्ट की बात करें तो साल 2020 के बाद वो तेजी से काफ़ी गिर रहा है, और अभी नवंबर 2022 की मैं बात करूँ तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो 8.7% से गिर गया है। अब इंडिया में ये सेक्टर ग्रो करने के पीछे एक रीज़न ये भी है जो हमें बिना कुछ किए मिला है, वो है चाइना का डाउनफॉल इस सेक्टर में। अब देखिए, चाइना ने एक तो बहुत बेवकूफ़ी वाली जो डिसीजन थी इनकी, जीरो कोविड पॉलिसी, वो अप्लाई की, जिससे इस सेक्टर पर काफ़ी प्रेशर आया और काफ़ी कुछ काम इनका अफेक्ट हुआ उसकी वजह से। दूसरी चीज़ ये थी कि इन्होंने अचानक से, जैसे कि हमने बात की कि जब यहाँ पर इस सेक्टर का राइज हुआ तब यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स थे उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन फिर पिछले एक दो सालों में पाया गया कि वहाँ की जो नदियाँ हैं उसमें बस फोम ही फोम भरा है, और इतने डेंजरस लेवल पे वो चली गई है कि और फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस सेक्टर पर एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने इस सेक्टर की कंपनीज़ पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया, साथ ही नदी किनारे जो भी केमिकल कंपनीज़ हैं या फिर कुछ स्टील कंपनीज़ हैं उन्हें बोला कि आप नदी किनारे से हट जाओ, कहीं पे आप शिफ्ट हो जाओ। 4000 से ज़्यादा कंपनीज़ पर उन्होंने फ़ाइन लगाए, और लगभग 40% जो केमिकल की प्रोडक्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो इसके कारण कम हुई है। अब देखिए, अब किसी कंट्री में अब ये प्रोडक्शन अगर कम हुई है तो ये गैप फिल करेगा कौन? तो अपॉर्चुनिटी चलकर आई है इंडिया और वियतनाम के पास। अब सिर्फ चाइना के जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स से जो इन्होंने स्ट्रिक किए वो अकेला रीज़न नहीं है, वहाँ की अगर हम लेबर कॉस्ट देखें तो हमें तो यही पता समझाया जा रहा है कि चाइना के लेबर कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ी अलग रियलिटी बता दूँ, चाइना की लेबर कॉस्ट अब उतनी कम नहीं रही है। पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें तो ये देखिए आप ग्राफ, जहाँ पर ये पता चलता है कि हर साल सालाना चाइना की जो लेबर कॉस्ट है पिछले 10 सालों से वो लगभग 20% से बढ़ रही है, और इसी बीच अगर हम इंडिया के लेबर कॉस्ट की बात करें तो वो सालाना सिर्फ 4-5% से बढ़ रही है। तो अगर कोई चीज़ चाइना में बनाता है और वही चीज़ इंडिया में बनाते हैं तो धीरे धीरे ये जो फासला है ये अब डिफरेंस कम होता चला जाएगा। इसलिए पहले जितना जो बेनिफिट था कि बहुत सस्ते में चीज़ें मिल रही है, वो अब धीरे धीरे, अभी फिलहाल भी हम देखेंगे तो उतनी सस्ते में नहीं मिल रही है। बाकी कंट्रीज़ भी अब प्राइस के बेसिस पर कम्पीट करने लगी है। वो जो उनका कम्पिटिटिव एडवांटेज था चाइना का अब तक का कि लो लेबर कॉस्ट, अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब इसी बीच जो कंपनीज है जिनका प्रोडक्शन बेस चाइना में है वो एक पॉलिसी लेकर आए हैं, और इस स्ट्रैटेजी का नाम है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है? ये स्ट्रैटेजी कहती है कि देखिए, हम अपनी जो पूरी डिपेंडेंसी, अभी तक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एप्पल का, तो एप्पल अपने ज़्यादातर जो स्मार्टफोन से वो कहाँ मैन्युफैक्चर करती थी? चाइना में। लेकिन उनको पता है कि पूरा का पूरा प्रोडक्शन बेस में शिफ्ट नहीं कर सकता वो क्विकली, धीरे स्टेप बाय स्टेप बेसिस पर मुझे जाना पड़ेगा, इसीलिए वो बैकअप के लिए धीरे धीरे कुछ कंट्रीज़ की हेल्प ले रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अपना कुछ जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग है वो अब इंडिया में भी शुरू कर दिया है। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा कि फॉक्सकॉन वेदांता का जो प्लांट है जो गुजरात में अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी पर्टिकुलरली एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। तो धीरे धीरे सारी जो कंट्रीज़ है वो इंडिया और वियतनाम की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इस तरह से बाहर से इंडिया में आने वाला जो बिज़नेस है वो इस कमोडिटी सेक्टर के लिए काफ़ी बढ़ने वाला है। लेकिन एक और खास बात, मतलब आपको किसी भी सेक्टर को देखना है तो आपको दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि इसमें डोमेस्टिक डिमांड कितनी बढ़ने वाली है और जो इंटरनेशनल डिमांड है जो पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट से आएगी वो कितनी बढ़ने वाली है। अगर मैं आपको स्टील की बात करूँ तो स्टील का जो एक्सपोर्ट है वो दिसंबर मंथ में 30% से बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने नवंबर 2022 में स्टील की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो निकाल दी है, और साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ अपने देखा कि लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो चिमनीज़ है जो हम किचन में यूज़ करते उस पर भी इंपोर्ट टैक्स लगा दिया, और कई सारी छोटी मोटी चीज़ों पर इंपोर्ट टैक्स लगा दिया। वो इंपोर्ट टैक्स इसलिए नहीं लगाया है कि गवर्नमेंट उससे कमा सके, वो इंपोर्ट टैक्स एक सिग्नल है कि आप ये सारी चीज़ें मेक इन इंडिया खरीदो। तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बाकी चीज़ें इंडिया में बूम करेगी, लेकिन ऐसी बहुत ही कम लिस्टेड कंपनीज इंडिया में आज है जिसे इस सेक्टर से आप फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन कमोडिटी सेक्टर एक ऐसा है जो इस बूम का फ़ायदा ले रहा है, और इससे रिलेटेड कंपनीज, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स आपको इजीली आज मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम कमोडिटी सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर की कई सारी लीडिंग कंपनीज आज मार्केट में लिस्टेड है, और कई सारे म्यूचुअल फंड्स भी आज प्रेजेंट है जो इस सेक्टर पर ही काम करते हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल का कमोडिटीज फंड है, SBI मैग्नम का कॉमा फंड है। अब अगर हम डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर साल अगर आप देखो तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है। इस साल गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में वो है 10 लाख करोड़ का, बहुत बड़ी फिगर है, और ये फिगर पिछले साल के कंपैरेटिवली 33% से बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर पैसा जो है वो है हाईवेज, रोड, रेल, ब्रिजेस, मेट्रो, इन पर जा रहा है। अब ये जो सारी चीज़ें आपको बनानी है तो आपको ऑफकोर्स स्टील लगेगा, तो कमोडिटी सेक्टर का कहीं ना कहीं लेना देना आता ही आता है, सीमेंट आपको उसके लिए लगेगा। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि डिफेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन आया है वो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को आया है, जो कि है 2.7 लाख करोड़ का। रेलवेज की बात करें तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गवर्नमेंट 2.4 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, जो कि 8-9 साल पहले से 30,000 करोड़ था।
प्रधानमंत्री आवास योजना बात करें तो लोग घर बनाएंगे तो उसके लिए 79,000 करोड़ का एलोकेशन है, जो कि पिछले साल 46,000 करोड़ का था, 66% की ग्रोथ। अब ये सारा पैसा आएगा तो घर बनाने हैं आपको, रोड बनाने हैं, रेलवे बनानी है, जो भी ब्रिजेस है, बाकी चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म बनाने, तो आपको लगेंगे स्टील है, सीमेंट है, तो ये सारी चीज़ें जो है कमोडिटीज़, ये तो लगनी। तो अल्टीमेटली जितना ज़्यादा पैसा यहाँ पर एलोकेट होगा तो उसका इनडायरेक्ट फायदा इस सेक्टर को मिलेगा, इस सेक्टर की कंपनीज को मिलेगा, और इसीलिए सेक्टर काफ़ी बूम में है। और मैं नहीं मानता कि ये चीज़ें अगले एक दो साल के लिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना है तो उसको टाइम लगेगा, 7-8 साल लगेंगे, तो इसका ही मतलब है कि बहुत लंबे वक्त के लिए सेक्टर को फायदा मिल रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट से जो डिमांड शिफ्ट हो रही है इंडिया की तरफ, दैट इज़ वन बेनिफिट, और डोमेस्टिक डिमांड जो बढ़ रही है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से, वो अलग। अगर हम 2017 की बात करें, आज से 6 साल पहले की बात करें, तो इंडिया के एक्सपोर्ट में 16% एक्सपोर्ट सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी का था, लेकिन आज ये फिगर 16% से सिर्फ 9% पर आ चुकी है। और वहीं पर जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो 2017 में 5% था और आज 27% हो चुका है। और वहीं आज हम कई सारी कंट्रीज़ को हमारी कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम स्टील एक्सपोर्ट की बात करें तो हमने बेल्जियम को जो स्टील एक्सपोर्ट किया है वो 246% से बढ़ गया है। और सिर्फ बात एक दो कंट्री की नहीं है, इंडियन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है पूरी दुनिया में वो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट तो उन्हें मिल ही रहा है, साथ ही ट्रस्ट भी है। एक प्रॉब्लम जो चाइना से हुआ था कि कोविड के बाद उन्होंने जो नंबर्स छुपाए और बाकी चीज़ें की, उससे उनका असली चेहरा भी सामने आया और बाकी कंट्रीज़ का उन पर जो ट्रस्ट था वो कहीं ना कहीं टूट गया, और उसका भी फायदा अब इंडिया को मिल रहा है। और इसी के चलते गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लाए, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। तो कंक्लूजन तो ये क्लियरली यही निकल कर आता है कि जो कमोडिटी सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो तो हो ही रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा तेज़ी से आने वाले टाइम में ग्रो हो सकता है। अब इसके लिए अब तक तो हमें काफ़ी ज़्यादा हद तक डोमेस्टिक डिमांड पर डिपेंड रहना था, क्योंकि बजट का एलोकेशन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो कंपनीज को ऑफकोर्स बहुत फायदा मिल रहा है। लेकिन जैसे हम एक्सपोर्ट पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, उसी तरह से अगर और काम करेंगे तो यहाँ पर जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ है वो निश्चित है। और जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑफकोर्स आप अलग अलग सेक्टर्स पर भी ध्यान देते होंगे, आईटी पर ध्यान दिया, इस पर ध्यान दिया, तो इस एक सेक्टर पर भी आप एक डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर ध्यान दे सकते हो। क्योंकि अगर कोई सेक्टर फिलहाल अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर काफ़ी डाउन है, वहीं ये सेक्टर फिलहाल काफ़ी बेटर मोड में है, तो इस तरह से सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन भी आपको अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकता है। तो आपका इस सेक्टर पर व्यू क्या है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस सेक्टर में और भी हो सकती है, जैसे ही होगी उसके बारे में भी ज़रूर मैं डिटेल रिसर्च लेकर आपके सामने आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।